नीले जीन्स का समंदर, ये है भारत के डेनिम व्यापारियों का संकट। इंडियन डेनिम मार्केट नीले रंग की बाढ़ में डूबता जा रहा है। मुकाबला बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स किसी तरह अपना काम चला पा रहे हैं। एक समय था जब ये इंडस्ट्री इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज ये अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। इसका असली गुनहगार पैसों की भारी कमी, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं है। सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असली मसला यह है कि पैसा जा कहां रहा है, या यूं कहें कि कहां नहीं जा रहा। दिक्कत पैसे की कमी नहीं है, बल्कि उसे गलत जगह लगाने की है। व्यापारियों ने रियल एस्टेट में भारी नुकसान उठाया है, खासकर गांधीनगर, दिल्ली और अहमदाबाद के नए कपड़ा बाजार में, जहां 40% की कमी आई है। ये व्यापारियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। अब डेनिम व्यवसाय में निवेश करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। व्यापारियों ने कपड़ा व्यवसाय में भी बहुत नुकसान उठाया है, इसलिए वे अस्थिर बाजार के कारण निवेश नहीं करना चाहते। ये है वो बड़ा डायवर्जन। आखिर पैसा जा कहां रहा है? प्रोडक्शन लाइंस को मजबूत बनाने और नई चीजों में इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा उन रास्तों पर लगाया जा रहा है जहां उतना फायदा नहीं है। जबकि डेनिम इंडस्ट्री मुश्किल से सांस ले पा रही है, स्टॉक मार्केट भी उन लोगों के लिए अच्छा बन गया है जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। रियल इकोनॉमी से पैसों का ये डायवर्जन डेनिम इंडस्ट्री को उस पूंजी से वंचित कर रहा है जिसकी उसे आधुनिकीकरण, विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सख्त जरूरत है। इसके नतीजे साफ हैं: पुरानी मशीनरी, नए आइडियाज की कमी और ग्लोबल डेनिम मार्केट में घटती हिस्सेदारी। खाली लूम, भरे हुए गोदाम, ये है डिमांड डेफिसिट। डेनिम इंडस्ट्री एक बुनियादी असंतुलन से जूझ रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिमांड के बीच एक बड़ा गैप है। इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में फैब्रिक बनाने की क्षमता है और ये एक डेनिम पावर हाउस बन सकता है। हालांकि ये क्षमता अभी भी अधूरी है। गोदाम बिना बिके माल से भरे हुए हैं, जबकि लूम खाली पड़े हैं, ऑनऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ये असंतुलन कई कारणों से उत्पन्न हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी के कारण मुख्य बाजारों में कपड़ों की मांग कम हुई है। साथ ही सस्ते डेनिम इंपोर्ट, खासकर चीन जैसे देशों से, ने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बाजार में कब्जा कर लिया है। डिमांड की इस कमी ने इंडस्ट्री की आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है, जिससे कम निवेश, स्थिर विकास और घटती प्रतिस्पर्धा का एक दुष्चक्र बन गया है। सेक्शन 4, रियल एस्टेट और स्टॉक, जल्दी पैसा कमाने का लालच। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लालच ने कई इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचा है। रियल एस्टेट अपनी मजबूत एसेट्स और स्थिरता के साथ लंबे समय से इंडिया में निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह रही है। हाल के दशकों में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने इस ट्रेंड को और बढ़ावा दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा लगा रहे हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट, जहां ज्यादा रिटर्न और लिक्विडिटी का वाद है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि ये निवेश खराब नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स पर इनका हावी होना चिंता का विषय है। डेनिम इंडस्ट्री, जिसे पूंजी की कमी है और जो डिमांड स्लंप से जूझ रही है, इस असंतुलित निवेश के खतरों को दर्शाती है। सेक्शन 5, बजाज की सक्सेस स्टोरी, क्या ये संकट गलत जगह पर है? इंडियन इकोनॉमी में फंड की कमी की बात को हाल ही में बजाज के आईपीओ की ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे उदाहरणों से चुनौती दी जाती है। बजाज एक कंपनी जिसका कारोबार ऑटोमोबाइल से लेकर फाइनेंस तक फैला हुआ है, ने अपनी शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग पर जबरदस्त रिस्पांस देखा, जहां इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। ये बात डेनिम जैसी इंडस्ट्रीज को प्लेग कर रही फंड की कमी के दावे से बिल्कुल अलग है। हालांकि बजाज आईपीओ की ओवर सब्सक्रिप्शन फंड की उपलब्धता से ज्यादा फंड एलोकेशन की समस्या को रेखांकित करती है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी में काफी पैसा है, लेकिन ये उन सेक्टर्स की ओर जा रहा है जिन्हें कम जोखिम वाला और जल्दी रिटर्न देने वाला माना जाता है। डेनिम इंडस्ट्री, जो कंपटीशन, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रिटर्न के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बोझ तले दबी है, इस पूंजी के लिए मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। सेक्शन 6, बांग्लादेश बेकन्स, क्या इंडिया इस मौके का फायदा उठा पाएगा? बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता ने इंडियन डेनिम इंडस्ट्री के लिए एक अनोखा मौका पैदा किया है। बांग्लादेश, जो ग्लोबल गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी है,
लेबर अशांति और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन बाधित हो रहा है और ऑनर्डर रद्द हो रहे हैं। इससे इंडिया को ग्लोबल डेनिम मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल करने का मौका मिलता है। हालांकि इस मौके का फायदा उठाने की इंडिया की क्षमता को उसकी अपनी चुनौतियों ने बाधित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पर्याप्त फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की कमी इंडस्ट्री को परेशान कर रही है। जब तक इन संरचनात्मक मुद्दों को हल नहीं किया जाता, ग्लोबल डेनिम मार्केट में खुद को एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित करने के इस सुनहरे मौके को खो देने का खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, आप अपना व्यू भी बताइए कि डेनिम मार्केट कैसा है, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।